Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली डायल 112 फीट के प्रचार प्रसार के लिए आजमगढ़ में नुक्कड़ नाटक अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 27 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य डायल 112 के प्रति लोगों में विश्वास की भावना जागृत करना और उन्हें आपात स्थिति में इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा पर नुक्कड़ नाटक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर अनंत चंद्रशेखर और क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा भी मौजूद थे। इस अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का लक्ष्य है कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा सके और उन्हें डायल 112 के माध्यम से त्वरित एकीकृत आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह अभियान मिशन शक्ति फेज तहत महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ये मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला और बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से 112 की तरफ से ये मिशन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक अलग अलग स्थानों पर, इसको 15 तारीख से 23 तारीख तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा और 27 स्थानों पर इनका करने का भी प्रोग्राम है। ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए सभी स्कूलों में भी हमारे कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर महिलाओं के संबंधित कानून के बारे में बताया जा रहा है, इनको साइबर क्राइम के बारे में बताया जा रहा है और इसके अलावा जो भी आपातकालीन सेवाएँ हैं इनके बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स लगातार लगे हुए हैं और सभी हमारे जो आजकल मेले चल रहे हैं यहाँ पर हमारे प्राइवेट में भी महिला कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो कि हम कोई भी अगर मन चले इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। सर, रात की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, वो क्या ये हमारी जो गाड़ियाँ हैं जनपद में ये 10 मिनट के अंदर सभी स्थानों पर आज के तारीख में पहुँच जाती हैं। हमारे पास 53 चारपहिया वाहन है और 16 दोपहिया वाहन जनपद में है और कहीं पर भी कॉल करने पर हमारी गाड़ी आज के तारीख में 10 मिनट के अंदर सभी स्थानों पर पहुंच जाती है। कहीं पर भी अगर महिलाओं या बच्चों को अगर लगे कहीं सुनसान स्थान पर हो या किसी भी तरह की अगर उनको मदद की आवश्यकता हो तो 112 डायल करें तो तत्काल हमारी आपात सेवा तरत वहाँ पर पहुँच कर इनकी मदद करेगी। जो जनता है, जो जनता है वो बिल्कुल पुलिस से डरे नहीं, भयभीत न हो, बल्कि कोई समस्या होती है तो खुलकर आप उनसे अपनी समस्या रखें।